मसीह में आप सबको सलाम मेरा नाम किरण पीटर है और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की कैथलिक डायसिस से ताल्लुक़ रखती हूँ आज की अंजील मुक़दस मुक़दस मत्ती की अंजील उसका चौबीसवां बाप उसकी बयालीसवीं तकानवी आयात मुकदसा बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंत किस दिन आएगा लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम हो ताकि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत् जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्न इंसान आ जाएगा बस वफ़ादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घर आने के लिए मुकर किया ताकि वक्त पर उन्हें खाना खिलाए मुबारक है वो ग़ुलाम जिसे आका आकर यूं ही करता पाए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सब माल का मुख्तार कर देगा लेकिन अगर बुरा गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरे आका के आने में देर है और अपने हम खिदमतों को मारने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए तो उस ग़ुलाम का आका ऐसे दिन कि वो इंतज़ार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और उसे काट डालेगा और रियाकारों के साथ उसका बखरा कर देगा वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा अनजीले मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदांद की बरकत हो बाप बेटे रुलकुदस के नाम से आमीन मसीह खुदाउ मेरे अजीज़ भाई और बहनों आप सबको आज का दिन मुबारक हो आइए खुदाउ का शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए जिंदगी के अजीम तोहफ़े के लिए अपनी बलाहट और ईमान के लिए खुदावंद का शिक्र अदा करें आइए आज के पाकलाम को सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करें और लिखा है कि खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है आइए इस रोशनी को हासिल करने के लिए अपने दिलों को तैयार करें आज की अंजील मुकदस मुकदस मती की अंजील में से ली गई है खुदाबंद फरमाता है पास जागते रहो और तैयार रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंत किस दिन आएगा इसलिए तुम सब तैयार रखो खुदा जिसम से हमें ताकीद करते हैं कि जागो अपने चिराग रोशन रखो गुनाह की हालत या गुनाह को सोने या नींद से तशबी दी गई है जिसमें इंसान बेहिस बेहोश और बेअमल होता है जागने या होशियार रहने से तशबी को फजल की हालत या फज़ल की रोशनी से तशबी दी गई है हमें खुदावन की आमद के लिए होशियार और तैयार रहना है सिर्फ़ ईमान ही नहीं बल्कि आरजू भी रखनी है कि वो आए और उसका इस्तबाल करें तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आ जाएगा जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा जिनको खुदावन तैयार पाएगा उनके लिए वो दिन मुबारक होगा तसली बख्श और प्रफ़ल होगा जो तैयार ना होंगे उनके लिए गमनाक और होलनाक होगा यहाँ अच्छे और बुरे नौकर की पहचान बयान की गई है वफादार और दयानदार ईमानदार मुख्तार की बात अगर मालिक उसे जागता पाए तो वो अब तक मुबारक होगा ला मेरे चीज़ खुदाबंद चाहता है कि हम वफादार मुख्तार की तरह ज़िंदगी बसर करें जिस पर इतबार किया जाए जिसे मौत पर होना चाहिए खुदा यसमसी हमें अक्लमंद नौकर से तशबी देते हैं और अजर ना ख़त्म होने वाली हमेशा की ज़िंदगी से इसलिए खुदा फ़रमाते हैं कि जाँ शानी करो तंग दरवाज़े से दाखिल हो जो हमेशा की राह की तरफ ले जाता है आए चंद लम्हों की खामोशी में अपनी इनफरादी ज़िंदगी का जायज़ा लें क्या मैं खुदावंत के लिए काम करता हूँ उसकी मुखता, उसे मुख्तारिस के तौर पर या मैं खुदावंद के काम को भोज या वक्त पास करने के लिए करता हूँ आइए फिर खुदावंत से फजल मांगें खुदावंद हमें ईमानदार और वफादार मुख्तार बनने की तफीक अता करे और कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को ही जलाल दें यसु मसी हमारे खुदावंद के वसी से आमीन बाप बेटे रोहन के नाम से आमीन